बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा व्लॉगिंग चैनल देख रहे हैं। छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और उसके बाद हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। जी हां, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन आज किसी भी वक्त ये फैसला सुना देगा, क्योंकि पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को आज के रोज 22 दिसंबर को ये फैसला करना है कि बल्ले के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जाएगी या फिर बल्ले के बगैर। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंतखाबात में जाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसको दी जा रही है, एवन प्लेइंग फील्ड वाले को। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए हमने देखा, जिस निजाम ने पलकें बिछाई, जिस निजाम ने मियां नवाज शरीफ के लिए यह कहा कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम तर जो आशारिये थे वो पूरे कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं से कागजात नामजदगी छीने गए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को जेलों के अंदर डाला गया, इमरान खान साहब को मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया। अली मोहम्मद खान साहब देखें, शहरयार आफरीदी देखें, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब का ये मुतालबा है कि जिस अंदाज से लंदन प्लान पर अमल हो रहा है, अदालतों को इसमें बीच में पढ़ना चाहिए। इमरान खान साहब ने कल एक पैगाम भेजा था मुक्तदरा के लिए, अदलिया के लिए, उसके बाद फिर इमरान खान साहब की जमानत हुई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कि जुम्मा मुबारक जो आपने सुबह कहा था कि उस जुम्मे मुबारक का क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। क्या बल्ले के निशान के बगैर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी तो कैसे जाएगी, ये तमाम तर सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार दे दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। बल्ले का निशान वापस लेने का मतलब यह है कि अब यह बल्ले का निशान हो सकता है किसी और जमात के भी हवाले किया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस निशान के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं, इमरान खान साहब के बारे में यह कहा जा रहा है, उन्होंने यह कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी खंबे को, ये मेरा ख्याल है एंकर्स भी अब ये बात करना शुरू हो गए हैं और सब ये कह रहे हैं कि साहब नवाज शरीफ साहब को अगर आपने इक्तदार देना है तो आप इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं, ये तकल्लुफ भी आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब एक पार्टी को आपने ये कहा कि आपको बल्ला जो कि उनकी एक सिंबल था, इलेक्शन सिंबल, इंतखाबी निशान, तो उससे आपने बल्ला छीन लिया है। इलेक्शन कमीशन पर सब फिदा जा रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए इस निज़ाम ने एक मरतबा फिर ये साबित किया है कि इस निज़ाम ने सलाम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाले तमाम तर इकदामात। अब मुख्तलिफ सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि देखें इसके बाद अब क्या रहना बाकी हो गया है, क्या होना बाकी रह गया है, ये तमाम तर सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसी ख़बर का आना खुसूसन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक हैरत का बायस, लेकिन तवक्को यही की जा रही थी कि ऐसा ही फैसला आएगा। लेकिन कुछ वक्त से, यानी कि एक दो रोज़ से ये गुमान किया जा रहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आए, जो कि नहीं आया। बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा क्योंकि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार दे दिए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में जा सकती है, हो सकता है, क्योंकि जहां इंतखाबात करवाए थे पेशावर में, तो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपने फैसला सुनाना है, फैसला महफूज पहले हो चुका था और फैसला अभी सुना दिया गया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज कर सकती है। कहां चैलेंज कर सकती है, और वो फोरम है पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट अब यह फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे वो वाकई कलदम थे, नहीं थे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील वहां से जाएंगे और उसके बाद फिर फैसला होगा कि इमरान खान साहब के खिलाड़ी किस इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में उतरेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए सूरत हाल खुशगवार नहीं है। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।